नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेबी फ्रॉक के सेकंड पार्ट को लेके हाजिर हूँ। तो इसमें हम आज बेबी फ्रॉक के नीचे क्रोशिए का झालर लगाएंगे और इसकी क्रोशिए से एजिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्रोशिए का काम शुरू से करके दिखाएं। तो ये बेबी स्वेटर है जिस पे मैं नीचे की तरफ क्रोशिए का काम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं। तो क्रोशिए का काम हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम पहले एक ऐसे लूप निकालेंगे और इसके सिरे को दूसरे साइड में कर देंगे। इससे ये हमारा निकलेगा नहीं। और फिर हम तीन चेन बनाएंगे और फिर थोड़ी दूर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास तीन, देखिए क्रोशिए पे तीन धागे हैं, तो इसको हम दो बार में करेंगे। एक बार में दो किया, अगली बार में दो किया, तो इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर हम एक बल लेंगे और इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दो डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हम दो चेन लेंगे और फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया और फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया। तो हमने एक जगह पे चार डबल क्रोशिया बनाया, दो बनाया, फिर दो चेन, फिर दो बनाया। अब हम और एक बल लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर दो डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन और फिर इसी जगह पे दो डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चार डबल क्रोशिया बना रहे हैं, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर यहाँ पे थोड़ी दूर पे दो डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन लिया, फिर इसी जगह पे दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया और फिर जहाँ हमारा ये हाथ जाता है थोड़ी दूर पर, तो एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लिया और फिर थोड़ी दूर से दो डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम फर्स्ट रो, फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। दो डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर इसी जगह पे दो डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया और फिर बल लेंगे, एक चैन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर थोड़ी दूर पे दो डबल क्रोशिया। दो चेन, इसी जगह पे दो डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही बुनते हुए हम फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए, ये हमने हमारा सीक्वेंस है चार एक चार एक, ये है। तो दो चार के बीच में एक होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा चार ख़त्म हुआ। देखिए, हमने एक से स्टार्ट किया था और हमारा चार पे ही ख़त्म होना चाहिए। चाहे आप इसके बीच में डिस्टेंस को बढ़ा के चाहे घटा के, लेकिन हमें यही सीक्वेंस लाना होगा।
वरना पूरा डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारा चार आया है और एक से हमने स्टार्ट किया है। अब इसे हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ लेंगे। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू होगा, तो तीन चेन बनाएंगे, दो चेन तीन, और फिर यहाँ पे जो हमने दो चेन डबल क्रोशिया के बीच में दो चेन लिया है, तो यहाँ पे हमें चार डबल क्रोशिया बनाना होगा, दो डबल क्रोशिया, उसके बाद दो चेन और फिर दो डबल क्रोशिया। फिर हम एक चेन लेंगे और यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल डबल क्रोशिया है इसको हम ऐसे इसमें से खींचेंगे, इसमें से हम एक बल लेंगे और लूप को ऐसे खींचेंगे। हम ऐसे खींचते हैं लेकिन इसमें हम इस अंदर की तरफ से ऐसे डालेंगे और ऐसे लूप खींचेंगे और तब डबल क्रोशिया बना लेंगे। इससे ये एक टर्न ले लेगा एक और इसकी ब्यूटी को बढ़ा देगा। फिर हम एक चेन लेंगे और यहाँ दो चेन के बीच में हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाया फिर दो चेन लिया फिर इसी में दो डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे और ये जो हमारा सिंगल डबल क्रोशिया है इसको बनाने के लिए हम ऐसे एक बल लेंगे और अब इसको देखिए इस साइड से और इस साइड में हम ऐसे क्रोशिया निकालेंगे। हम क्रोशिया को देखिए हमने ये चार डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया और फिर एक चेन लिया बनाया, एक बल लेंगे और अब हमें ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम देखिए ऐसे इस साइड से ऐसे हम अपना क्रोशिया डालेंगे और लूप को खींच लेंगे और अब इसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। इससे एक खूबसूरत सा घुमाव आ जाएगा और इसको हम फ्रंट क्रोशिया कहते हैं। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे जहाँ हमने दो चेन बनाया है यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाया फिर दो चेन लिया और फिर इसी में दो डबल क्रोशिया। अब एक चेन लिया और यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो क्रोशिया में हम एक बल लेंगे और देखिए ऐसे हम अपना क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस साइड से इस साइड तक इस जो हमारा ये डबल क्रोशिया है इसके हम नीचे ऐसे डबल क्रोशिया इसके नीचे हम अपना क्रोशिया डालेंगे और लूप ऐसे खींच लेंगे और अब इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये ऐसे बनाने से एक खूबसूरत सा घुमाव आ जाता है इसमें। तो ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर ये दो चेन जहाँ हमने बनाया है यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाया फिर दो चेन फिर दो डबल क्रोशिया। और फिर एक चेन लिया। अब ध्यान से देखिएगा ये हमारा जो डबल क्रोशिया है एक डबल क्रोशिया जो है उसको बनाने के लिए हम अपने क्रोशिया में एक बल लेंगे और इस डबल क्रोशिया के नीचे ऐसे सिलाई क्रोशिया डालेंगे और एक बल एक लूप लेंगे और अब इसको तीन दो बार में ख़त्म करेंगे, यानी डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, एक बार ख़त्म किया, दो बार में ख़त्म किया।
तो इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फुल रो कंप्लीट हो गया है और हम अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। सिंगल क्रोशिया से इसमें जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेन नहीं लेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे चेन बनाया है, लेकिन अब हम यहाँ पे चेन नहीं लेंगे। ये हमारा फाइनल राउंड है और हम इसकी एजिंग कर रहे हैं। तो अभी तक जहाँ यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाया है, अब यहाँ पे हम पांच ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हमें दो बार ऐसे बल लेने होते हैं और फिर इसमें से एक लूप निकाला। अब हमारे क्रोशिया पे चार धागे हैं, तो एक बार में हम दो ख़त्म करेंगे, अगली बार में दो और तीसरी बार में दो। इसके लिए हमें दो बार बल लेना पड़ता है और यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे। अब हमारे क्रोशिया पे चार धागे हैं, तो इसको हम तीन बार में ख़त्म करते हैं। जब हम तीन बार में ख़त्म करते हैं तो इसका नाम हो जाता है ट्रिपल क्रोशिया। एक बार में दो ख़त्म किया, दूसरी बार में दो और तीसरी बार में दो, तो हमने चार को तीन बार में ख़त्म किया और इसे कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया। फिर दो बल लेंगे और फिर यहीं पे एक और ट्रिपल क्रोशिया, दो बार में और ये तीन बार में दो बल लिया, यहीं से एक बार में दो ख़त्म किया, दूसरी बार में दो और तीसरी बार में दो, फिर यहीं पे दो बल लेके और ये हमारा चौथा ट्रिपल क्रोशिया है और ये हो गया पांचवा ट्रिपल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे हम नौ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने नौ बना लिया और अब इसे सिंगल क्रोशिया से यहाँ जॉइंट कर लेंगे। फिर हम दो बल लेंगे और ये जो दो चेन हमने बनाया है, यहाँ पे हम नौ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो लूप निकाला, क्रोशिया पे चार धागे हो गए, एक बार में दो ख़त्म किया, दूसरी बार में दो और तीसरी बार में सभी फंदे ख़त्म कर लिए। तो हम जब तीन बार में ख़त्म करते हैं तो इसे हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। इसी तरह दो बल लेंगे, लूप निकालेंगे, एक बार में दो, दूसरी बार में दो और तीसरी बार में दो, इसी तरह हम नौ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हो गया, चार, पांच, छः, सात, आठ और नौ। नौ बनने के बाद इसे हम यहाँ पे जब तक जहाँ पे हम अभी तक एक डबल क्रोशिया बनाते थे, वहीं पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये खूबसूरत सी एजिंग होती चली जा रही है।
तो ऐसे ही हम जितने यहाँ पे दो दो चेन बने हैं उनके सब के बीच में हम ऐसे ही नौ नौ ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो मैं सारा बना के आपको दिखाती हूँ। हमने नौ डबल क्रोशिया नौ ट्रिपल क्रोशिया बनाया और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो इसके साथ ही हमारा फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गया। अब ऐसे काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेबी फ्रॉक बनके तैयार है। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।